श्री सप्पा जी जैन जिनका कल सुबह अकस्मात निधन हो गया, सुनकर यहां परिवार अचंभे में आ गया। वहां सारा जैन समाज, लुधियाना समाज, पंजाब जैन समाज सुनकर सारा सकते में आ गए। प्रकृति का एक अटल सीधा, मेरी तरफ से जो भी आपको योगदान की जरूरत है वो हमेशा तैयार है। ऐसे ही अपने दादे बाबियों के प्रति भी बहू जी हमेशा समर्पित रहे। बाबा भोलिया जी परिवार के बाबा जी इनके बड़े, जिनके आगे ये सारा परिवार मस्तक होता है सुल्तानपुर में। जब ये सुल्तानपुर से आए अपना वो पैतृक मकान बात दे आए कि यहां पर बाबा जी के जो स्वाद है वही बनी कहिए, आज वहीं पर इनका जो पैतृक मकान है उसी पर वो जो इनका माथा देखते हैं वो जगह बनी हुई है। और बाबू जी मेरे ख्याल उस समाज के चेयरमैन हैं, हमेशा कहने का भाव बोलिए। शोभापुर परिवारजन, माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों भाइयों, आज की विडंबना देखिए, आज मैं पिता के पिछड़ जाने के बाद उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ही यहां पर खड़ा हुआ हूं। और आज ही मेरे पिता अमर प्रधान जी राकेश जी की पहली पुण्यतिथि भी है। मन में एक ही भाव बार बार आ रहा है, पिता के बिना धर्म और लिगे गोत्र कुल बाबा भोनिया जी को समर्पित दृढ़ आस्था वाले, दृढ़ श्रद्धा रखने वाले सुश्रावक पूज्य चाचा जी श्री सतपाल जी का निधन 81वें वर्ष प्रवेश था। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, परिवार के लिए एक वट वृक्ष की तरह थे वे, हमें वो बहुत प्यार उल्लास से इकट्ठे बैठकर कई किस्से सुनाते थे, गुरुओं के प्रसंग उजारते, सवाल पुरानी बातें सुनाते थे। कई बार अगर हमारे माता पिता हमें किसी चीज के लिए मना भी कर देते ना, तो हम अपनी बात मनवाने के लिए अपने दादाजी के पास चले जाते, पर अब हमारी बातों को कौन पूरा करेगा। वो हमेशा सिर्फ
एक ही बात पर जोर देते कि सब एक परिवार की डोर से बंधे रहो और उनको उन्हें सबको एक डोर से बंधा हुआ उन्होंने सबको एक डोर से बांधा हुआ था। हमारा सारा 23 मेंबर्स का परिवार एक ही छत के नीचे उनकी प्यार की छाया में बहुत खुश थे। आज जब वो नहीं है तो लगता है कि मानो हमारे सिर से वो छाया कहीं खो गया है। उन्होंने जो हमेशा शिक्षाएं दी हैं और जो गुरुओं से जोड़ा है तो उनकी कृपा हम पर भी बनी है और वो जहाँ भी है हमारे सारे परिवार पर अपनी असीम आशीष सदा बरसाते रहे। हम अपने भावों को शब्दों में तो नहीं समेट सकते परंतु कुछ पंक्तियों में कह रहे हैं। हर डांट में प्यार जो रहता था वो याद अब बहुत आता है। हर बीता लम्हा तो आंखों में आंसू लाता है। तस्वीर बसी है दिल में जो जीने का हौसला देती है। एक दादा ही समझता है खामोशी औलादों की। मुश्किलों से बचाने के लिए दादा हिम्मत की दीवार होता है। हमें तुमसे जो प्यार मिला वो शहद से भी मीठा था। वो सब कुछ सचमुच अनूठा था। वो बिल्कुल अनोखा था। श्रद्धेय श्री जयमुनि जी महाराज जो कि रामा मंडी में विराजमान हैं, उनके द्वारा जो परिवार के प्रति धर्म संदेश भेजा गया है उसको पढ़कर सुना रहा हूं। 7 जनवरी 2018 परम गुरु भक्त कुलदीप जी, प्रदीप जी, विकास जी, अजय जी, अमित जी जैन, पूज्य पाद गणाधीश गुरुदेव श्री प्रकाश चंद जी महाराज थाने 6 के आपके पूज्य पिता श्री सतपाल जी के निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट की है। भक्ति, सरलता, सेवा और प्रेम की उज्जवल प्रतिमा के वियोग पर सबको वेदना हुई है, अतः उन्हें विशेष ख्याल हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, आज अपने पूज्य पिता जी की याद में राशि दान की निकाली है। जिन जिन संस्थाओं के लिए है उनके नाम बोल रहा हूं। उनका यदि कोई प्रतिनिधि आया है तो वो अपनी लिफाफा का राशि जरूर लेकर जाए। ऐसा जैन सभा शिवपुरी, मैं उन संस्थाओं के नाम पढ़ रहा हूँ जिनके लिए राशि निकाली गई है। ऐसा जैन सभा शिवपुरी, वर्धमान जैन युवक संघ शिवपुरी, आत्म जैन सोसाइटी शिवपुरी, जैन मिलन संघ शिवपुरी, युक्ति मंडल शिवपुरी, बाबा पूनिया जी स्मारक समिति सुल्तानपुर लोधी, डिस्पेंसरी होम्योपैथिक सुल्तानपुर लोधी, एस एस जैन सभा सुल्तानपुर लोधी, एस एस जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत, एस एस जैन सभा नूरेबाज रोड शुक्रधाम सुंदरनगर, श्री रूपचंद जी महाराज समाधि स्थल जगराओं दादावाड़ी समाणा, विजयलाल डायग्नोस्टिक सेंटर सिविल लाइन, श्री जनेंद्र गुरुकुल पंचकूला यूएसपीसी जैन हॉस्पिटल सुंदरनगर, श्री विमलनाथ मंदिर बल्लभ नगर। अंत में एक बार फिर परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नमो आरिहंतानं।
Oh.
हमारे आदरणीय बहू जी श्री सतपाल जी जैन, जिनका कल सुबह अकस्मात निधन हो गया, सुनकर यहां परिवार अचंभे में आ गया। बहुत सारा जैन समाज, लुधियाना समाज, पंजाब जैन समाज सुनकर सारा सकते में आ गए। प्रकृति का एक अटल सिद्धांत, आना और चले जाना, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी अवश्यदेव है, और जिसकी मृत्यु हुई जो अपने लिए तो सभी करते हैं, जो किसी के लिए कुछ करेंगे। हमारे आदरणीय बाबू जी श्री सतपाल जी शहर में एक जाना पहचाना नाम, लगभग 80 साल की आयु, 1937 में इनका जन्म हुआ था सुल्तानपुर लोधी में, लीगा परिवार में लाला मणिराम जी जैन परिवार सुल्तानपुर लोधी। समय का चक्कर ऐसा चला, लगभग आज से 4-7 वर्ष पहले लुधियाना क्षेत्र को अपना कर्मभूमि बनाया। जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां भी आई, लेकिन अपने ईमान को, अपने हौसले को कभी भी डगमगाने नहीं दिया। गुरु चरणों में इतनी श्रद्धा, अथाह भक्ति, ऐसे विपरीत परिस्थितियों को भी टालने में समय नहीं लगा। आज व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपने लुधियाना क्षेत्र में एक पहचान है। बड़े हुए, विवाह हुआ श्रीमती सुदेश रानी जी जैन, हमारे आंटी जी, बहुत ही धार्मिक सरल स्वभाव की वो महिला, जिन्होंने हर कदम पर, हर चरण पर अपने पति का सहयोग किया। चाहे विपरीत, मैंने पहले भी कहा, चाहे विपरीत परिस्थितियां भी थी, लेकिन अपने हम सफर के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे आंटी की खड़ी रही और हमेशा हमारे बहू जी को हौसला दिया। गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले को सुख श्रावक बहुत ही मिलनसार स्वभाव के। हम बच्चों में भी जब अक्सर काटे तो बिल्कुल बच्चों जैसा एहसास होता, लेकिन जब कोई मार्गदर्शन कर रहा होता तो बड़े बन जाते, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता है। हमारे ऐसे जैन समाज शिवपुरी के बहुत समय कोषाध्यक्ष पद पर असी रहे, अपना बहुमूल्य समय समाज के लिए। हमारे ब्रादर जी बैठे हैं, वो बताएंगे कैसे उनकी कार्य शैली कैसी थी, सब
गुस्से की लकीरें या चिंता की लकीरें मैंने नहीं देखी। यदि कोई बात हो भी जाती तो कहते कोई बात नहीं, ध्यान रखो जो ये कोई समय आया है वो दूर हो जाएगा। गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा, संक्षारता, पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा, उनको अपना प्रभु मानते थे, अपना भगवान मानते थे। आज सारा परिवार भी उन्हीं के दिखाए हुए नक्शे पर चल रहा है। लाला मणिराम जी के परिवार से ये सबसे छोटे लाडले बेटे, तीन भाई और चार बहनें, शादी के बाद पांच बेटे और एक बेटी का ये परिवार इनका, श्री कुलदीप कुमार जी और पुत्र वधु वंदना जी, प्रदीप जी पुत्र वधु शिवानी, विकास पुत्र वधु ज्योति, बेटा अजय और पुत्र वधु मानसी, बेटा अमित और पुत्र वधु रिद्धि, बेटी मीनाक्षी जैन और दामाद रोहित जैन, देश का परवारी पर जैन, पोत्रे प्रथम जैन, भवित जैन, रिजुल जैन, पावन जैन और जयवंत जैन, पोत्रिया आकांक्षा, गीतिका, रुचि जैन, पूर्ति जैन और सुनीति जैन, दोते अधीश जैन और दोती मुदिता जैन, लाला चतुर्भुज जैन, श्री प्रकाशचंद जी जैन, ससुराल पक्ष का देश लुधियाना का गणमान्य परिवार, श्रुत जैन पुत्र के, जैसा कि मैं कह रहा था बाउली का स्वभाव काफी समय से, जब से मैं युवक संघ में था बाउली हमारे समाज के कोषाध्यक्ष थे और आज हमारे समाज में बाउली हमारे समाज के संरक्षक है, हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। जब भी कोई अवसर आया हम इनके पास गए मार्गदर्शन के लिए, या कुछ समाज में कार्य करना होता, कई बसें लेकर जानी गुरु चरणों के लिए, दर्शनों के लिए, कोई किसी गरीब शादी की शादी करनी, लड़की की शादी करनी हो, जैसा कि हमारा युवक संघ वर्तमान ज्ञान युवक संघ मानव सेवा के कार्य करता रहा कर रहा है, कोई भी कार्य करना हो बाउली के पास पहले जाते हमारे बाउली, हम कुदीप जी को कई बार कहते कुदीप जी ये कार्य करना है तो कहते आप बाउली के पास जाओ, बाउजी के पास जाते, जो हम सोच कर जाते कि बाउजी से ये आशीर्वाद लेना है बाउजी दस गुना करकर उसका हमें देते। कहते नेक काम में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आनी चाहिए,
अच्छा काम कर रहे हो, मेरी तरफ से जो भी आपको योगदान की जरूरत है वो हमेशा तैयार है। ऐसे ही अपने दादे बाबियों के प्रति भी बहू जी हमेशा समर्पित रहे। बाबा भोनिया जी परिवार के बाबा जी इनके बड़े जिनके आगे ये सारा परिवार मस्तक होता है सुल्तानपुर में, जब ये सुल्तानपुर से आए अपना वो पैतृक मकान बात दे आए कि यहां पर बाबा जी के जो स्वाद है वही बनी चाहिए, आज वहीं पर इनका जो पैतृक मकान है उसी पर वो जो इनका माथा देखते हैं वो जगह बनी हुई है। और बाबू जी मेरे ख्याल उस समाज के चेयरमैन हैं, हमेशा कहने का भाव पूरी तरह से ये परिवार हर जगह देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित परिवार है। जब भी किसी गुरु महाराज का आना हो, अभी कल पुती भाई की बोल रहे थे, अभी दो चार दिन पहले ही सुल्तानपुर लोधी फोन किया, भाई जो हमने कहते नया द्वार बनाना है बाबा जी का, उसको रेनोवेट करना है, जल्दी से जल्दी करो, जितना ज्यादा योगदान आप मेरे से चाहते हो मैं वो देने को तैयार हूं। बाबा जी का जो रेनोवेट करना है द्वार, उसे जल्दी से जल्दी करो। इतनी श्रद्धा भक्ति अपने पूर्वजों के प्रति थी। शोभापुर परिवारजन, माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों भाइयों, आज की विडंबना देखिए, आज मैं पिता के पिछड़े जाने के बाद उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ही यहां पर खड़ा हुआ हूं। और आज ही मेरे पिता अमर प्रधान जी राकेश जी की पहली पुण्यतिथि भी है। मन में एक ही भाव बार बार आ रहा है, पिता के बिना जिंदगी वीरान होती है, पिता के बिना जिंदगी वीरान होती है, तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है, पिता के बिना जिंदगी वीरान होती है, तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है, जिंदगी में पिता का होना कितना जरूरी है, जिंदगी में पिता का होना कितना जरूरी है, पिता के साथ से ही हर राह आसान होती है। आज हम शिवपुरी जैन समाज के पूर्व कोषाध्यक्ष हमारी आंटी जिन्हें प्यार से हमारे पिताजी चाची जी कहकर बुलाते थे, श्रीमती सुदेश रानी जैन के पति हमारे बड़े भाई श्री कुलदीप जी, प्रदीप जी, विकास जी, अजय जी, अमित जी,
तथा बहन मीनाक्षी जी के पूज्य पिताजी प्रथम श्रुत रिजुल पावन जयवन आकांक्षा पूर्ति गीतिका श्रुति सुनीति के पूजनीय दादाजी हमारे अंकल जिन्हें मैं देव पुरुष भी कह सकता हूं श्री सतपाल जी के अक्षमित निधन के बाद उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। मुझसे पहले हमारी सभा के महामंत्री श्री राजीव जी ने बहुत कुछ हमारे अंकल के बारे में बताया, मैं कुछ चीजें उसमें जोड़ना चाहूंगा कि अंकल का जो दिनचर्या थी, जो जीवन था, वो एक गृहस्थ होते हुए भी एक साधु जीवन था। बहुत निकटता से पिताजी में मैंने उनके जीवन को देखा, इस परिवार को देखा, इस परिवार से बहुत ही पुराना नाता। जब से मैंने होश संभाला था तब से सबसे पहले पहचान मेरी प्रदीप भैया के साथ हुई थी, क्योंकि उस समय इनके सुपुत्र अपने पिता का साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिला के जी जान से मेहनत की, नौकरियां की और गुरुओं के आशीर्वाद से आज ये परिवार इस समाज में, बिजनेस की दुनिया में, सिर्फ लुधियाना में नहीं उत्तर भारत में भी एक अपना विशेष स्थान रखता है। जिस प्रकार अभी महामंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार पांच परिवारों ने इस समाज को गुरुओं के साथ जोड़ने के लिए अलग जगह जगाई, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और वही गुण, वही जज्बा आज इनके बच्चों में भी देखने को मिलता है। मेरा ख्याल ये हमारे समाज का बच्चा बच्चा जानता है कि इनके पोतों से लेकर बेटों तक कभी भी गुरु महाराज का पदार्पण हो, कहीं वो विहार करवाने की बात हो, चाहे वो उनको गोचरी करवाने का भाव हो या स्थानीय में कोई सेवा का कार्य हो, किस प्रकार से सारा परिवार तन मन धन से लगा रहता है। अभी जो पिछले चतुर्मास में की बात करें, कितनी तपस्या इस घर में हुई, बच्चों से लेकर बड़ों तक अठाइयां मास खमन ये परिवार हमारे समाज के लिए एक मिसाल है, कई कारणों से है। ना सिर्फ गुरु भक्ति की बात करें, बाकी इस परिवार में जो प्रेम, जो प्यार, इस प्रकार का एग्जाम्पल मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कितना प्यार भाइयों में,
और हम अपने परिवार की बात करो, किस प्रकार हम इस परिवार का साथ भूल सकते हैं। दो हजार से जब बाहर निकला तो जो चंद लोग बाहर खड़े थे उनमें से एक हमारे बड़े भाई अजय जी भी, किस प्रकार ये परिवार साथ खड़े होने का जज्बा रखता है, इससे बड़ी एग्जांपल और नहीं हो सकती। अंत में मैं श्री जिनेंद्र गुरुकुल पंचकुला समस्त कार्यकारिणी SSJS महासभा पंजाब उत्तरी भारत एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी, महावीर जैन युवक मंडल पंजाब उत्तरी भारत के अध्यक्ष और उनकी संपूर्ण कार्यकारिणी, महावीर जैन युवती मंडल उत्तरी भारत के अध्यक्ष और उनकी संपूर्ण कार्यकारिणी की तरफ से तथा महावीर जैन युवक मंडल लुधियाना की तरफ से भगवान शास्त्री देव में के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे अंकल को अपने चरणों में स्थान दें तथा इस परिवार को इस शोक की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दें। धन्यवाद। माँ बाप एक वट वृक्ष की तरह होते हैं जिनकी छाव में बैठकर सारा परिवार सारा समाज ठंडी छाया ठंडी हवा महसूस करता है। ठीक है, आज उस एक वट वृक्ष का एक हिस्सा हमारे बाबूजी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें उनका मार्गदर्शन उनके विचार उनका अपनापन उनका प्यार सदा ही हमें महसूस होता रहेगा। परिवार को जहां उनकी कमी खलेगी वह सारा ज्ञान समाज भी उनके मार्गदर्शन से वंचित है। परिवार की बात करें, परिवार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि थोड़े वृद्ध अवस्था में सेवा की किसी बात की कोई कमी नहीं रही। उनके बच्चे इतने आज्ञाकारी कि पिताजी से मुंह से बात निकलने से पहले ही पूरी हो जाती। हमारे कुलदीप जी जो कि हमारी SSJS सभा शिवपुरी के कोषाध्यक्ष हैं, प्रदीप जी हमारे वर्धमान जैन युवक संघ के कोषाध्यक्ष हैं, समाज के लिए समय देना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि आज के युग में समय की कमी हर इंसान के पास है। जे पूरा वक्त उसके कोई पुण्य कर्मों का उदय होता है और अपने बुजुर्गों से जो संस्कार मिलते हैं उसी का यह परिणाम होता है। हमारे विकास भाई जी, अजय जी, अमित जी,
बहुत ही मिलनसार स्वभाव के सभी साथी हमारे युवक संघ में भी है, हमारे पड़ोसी भी है, अक्सर इनके कारण बैठा रहता है। हमारी भाभियां भी, वंदना भाभी, शिवानी भाभी, ज्योति भाभी, इतनी अपने बुजुर्गों की, अपने सासू माँ की, अपने ससुर जी की इतनी सेवा इन्होंने की, फर्ज भी बनता है, कोई दिखावे की बात नहीं। हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की सेवा करें। इसी परिवार से सुल्तानपुर लोधी से भी आए हैं, वो भी अपनी कुछ यादें जो और श्रद्धा के बाद परिवार के साथ हैं वो रखना चाहते हैं। मैं सुल्तानपुर लोधी से श्री श्री प्रवीण जी, सुल्तानपुर लोधी बाबा के दरबार में आना ही आना है। वहां पर अपनी
श्रद्धा सुमन रखने ही है और बाबा का आशीर्वाद लेकर जाना है। इनकी पावन सोच वो सुल्तानपुर समाज और ये परिवार उसे पूर्ण करेगा। बाबा के मेले में हर साल ये बस लेकर आते हैं और सभी जनों को दर्शनों का लाभ भी देते हैं। पूरे वक्ताओं ने मुझे चाचा जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन बाबा भोनिया जी समाज समिति के चेयरमैन होने के नाते हम उनके भी छोटे भाई हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी देन है और ये परिवार सारा सुसंस्कार वाला परिवार, देव गुरु और धर्म पर दृढ़ आस्था रखने वाला परिवार है। हुए तो केंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चुरेंद्रीय और कुछ कर्मों ने, ऊंचे कर्मों ने जोर मारा तो हम पंचेंद्रीय भी आ गए। पंचेंद्रीय भाव भी मिलना है तो मुश्किल, पर लेकिन अगर कहीं पंचेंद्रीय भाव में भी ऐसे परिवार में जन्म हो जाए, किसी कसाई के घर में या किसी ऐसे घर में, तो कैसा हाल हो जाता है। और मैं समझता हूं पंचेंद्रीय भाव मिलना, अच्छे आर्य क्षेत्र मिलना और जैन कुल मिलना ये एक बहुत बड़ी भाग्य की और कर्मों की देन है। ये हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए एकत्रित हैं। मन से पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपने अपने संबंध के अनुसार और अपनी अपनी अटैचमेंट के अनुसार अपने विचार व्यक्त किए हैं।
ਪਾਣੀ ਕੇਰਾ ਗੁਦਬਦਾ ਅਸ ਮਾਨੁਸ ਕੀ ਜਾਤ ਦੇਖਤ ਹੀ ਛਿਪ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਕੇ ਗੁਲਬੁਲੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਤਾਰੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਦੇਖਤੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਥਾ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਆਇਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਪ ਕਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੀਰਥੰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਔਦਾਰਿਕ ਸਰੀਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਕੋ ਇਹ ਔਦਾਰਿਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਸੇ ਅਲੱਗ ਹੋਗਾ ਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਦੂਸਰੋ ਕਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਸਰਲਤਾ ਸੇ ਜੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਰੁਚੀ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਉਸਕੀ ਗਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੇ ਗੌਤਮ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਮੇ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਕਸ਼ਣ ਸਚੇਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸਚੇਤ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਮਰੇ ਪੜੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮੇ ਮਤ ਰਹੋ ਗੌਤਮ। ਤੋ ਗੌਤਮ ਪੁੱਛਤੇ ਹਮੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਉੱਤਰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਜਰਾ ਮਰਨ ਬੇਗੇੜਨ ਬੁੱਧਮਾਨ ਆਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੰਮੋ ਦੀਵੋ ਬੈਠਾ ਜੇ ਗਈ ਸ਼ਰਮ ਉਤਮ। ਜੇ ਗੌਤਮ ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਯਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕਾ ਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਯਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਤ੍ਰਾਣ ਦੇ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਜੀਵ ਕਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸੀ ਧਰਮ ਕਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ ਬਹੁ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਭਗਵਤੀ ਸੂਤਰ ਮੇਂ ਵੈਸਾ ਆਮ ਗ੍ਰੰਥੋ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਤਾ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਸੂਤਰ ਮੇਂ ਏਕ ਸ਼ਰਾਬਿਕਾ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਜੈਂਤੀ ਆਇਆ ਹੈ ਵੋ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜੈਂਤੀ ਸ਼ਰਾਬਿਕਾ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੇ ਪੁੱਛਤੀ ਹੈ, ਬੰਤੇ ਯੇ ਬਤਾਓ ਸੋਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕੋ ਨੇ ਆਪ ਮੇਂ ਸੇ ਸੁਨਾ ਹੋਗਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਔਰ ਸੰਤੋ ਕੇ ਮੁਖ ਸੇ ਸ਼ਰਮ ਕੀਆ ਹੋਗਾ, ਬੰਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਾਗਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਉੱਤਰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਹੇ ਜੈਂਤੀ
जो लोग धर्म ध्यान का पालन करते हैं, दूसरे प्राणियों को साधा पहुंचाते हैं, सुख देते हैं, दूसरों के काम आते हैं, उनका जागते रहना अच्छा है। और जो लोग ना तो धर्म ध्यान करते हैं, ना किसी का भला करते हैं, दूसरों को क्लेश देते हैं, ऐसे लोगों का सो जाना अच्छा है। आप देखो जयंती शराब का हजारों वर्ष पहले की बात, भगवान से प्रश्न करते हैं और जो उत्तर देते हैं, आधुनिक युग में आज भी वो समय जीन है, आज भी बराबर हमारे जीवनों के ऊपर चरितार्थ होता है। हमारे बाबू सतपाल जी जागृत होकर रहे, दूसरों को सुख देने की चेष्टा की। मैं कई बार सोचता हूं अगर उनके गुणों को देख रहा हो तो उनके पुत्रों को देख लो, उनके पुत्र आज भी समाज की सेवा करते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धावान है और हर काम में आगे आते हैं, इसी तरह इनकी निशानी इनके पिता ने लगभग के काम किया। विनयो मूलो धर्मो, विनय ही धर्म का मूल है, भगवान की वाणी है, और जिस विनय से उन्होंने काम किया वो धर्म का ही कार्य था। इन बच्चों ने बहुत बार जब वो मिलते थे तो मैं पूछता था क्या हाल है बाबू जी, कहते भ्राता जी तकलीफ है, श्वास की तकलीफ थी, लेकिन इन बच्चों ने रात दिन सेवा की होगी। अगर मैं ये कह दूं कि साय की तरह साथ रहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन साथ ये भी कहना चाहूंगा तीन प्रकार के कर्जे हैं हम सब के ऊपर, आपके ऊपर भी हैं, मेरे ऊपर भी हैं, इनके ऊपर भी हैं। गुरु ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण, कोई आदमी इनसे मुक्त नहीं हो सकता, ना गुरु के कर्जे से, गुरु के जो उपकार होते हैं, ना पिता के ऋण से और ना मातृ ऋण से। यदि इन्होंने काम किया है तो अपने पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, कर्तव्य का पालन किया है, कर्तव्य का पालन करते हुए ये इन्होंने अपने पिता की सेवा की है, इस दृष्टि से ये साधुवाद के पास है। जीवन तो जाएगा ही, डेथ क्लोजेज ऑल बिफोर डेथ, सम नोबल नोट्स मस्ट बी डन, जीवन जाएगा, इससे अच्छा है कि कुछ न कुछ कर दिया जाए, कुछ न कुछ किया जाए, लेकिन बिना भाग्य के ये भी नहीं होता। बाबू जी ने सरलता से, बहुत विनम्रता से अपने जीवन में कार्य किया, वो शैली उनकी काम करने की, कभी वो झगड़ते नहीं थे, पारदर्शिता काम में रखते थे, सदा ही सच का साथ देते थे, और साधु संतों का जब समागम होता तो वहां पर हमेशा पहुंच जाते थे। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ गोए, संतों का समागम और भगवान की कथा दोनों दुर्लभ है, उनको सुलभ थी और उनको प्राप्त थी, क्योंकि उनके मन में तड़प थी कि साधु संतों के पास हम जाएं और जाकर के उनसे कुछ सीखें। ऐसी आत्मा संसार से चली गई है। देखो बात यह है कि बात सीधी है, करनी आपको अपनी के नेड़े को दूर, अपनी अपनी करनी है, अपना अपना कर्तव्य पालन है, कर्तव्य प्रायणता है,
उसी के अनुसार आदमी अपना अपनी सदगति प्राप्त कर लेता है। तो निश्चय ही जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सरलता से, विनय से, आत्मीयता से, पर्दों कातरता से और दूसरों के काम आने से जीवन यापन किया हो, वो निश्चय ही सदगति को गया होगा। इसमें दो राय नहीं है, ना ही कोई अतिशयोक्ति है। तो मैं अधिक समय न लेता हुआ ऐसे जैन सभा शिवपुरी के प्रधान गरीब जैन, आत्म जैन सोसाइटी के प्रधान कमल जैन, वर्धमान जैन युवक संघ के प्रधान गौरव जैन, जैन मिलन संघ के प्रधान सतीश जैन और महिला संघ की अध्यक्षा श्रीमती संयोगता जैन, इन सब की ओर से और इनके पदाधिकारियों की ओर से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और अपने परिवार लाला मंगल शाह जैन परिवार, बोधराज संजय जैन, श्रवण ओसवाल हौजरी की ओर से दिवंगत आत्मा के चरणों में नतमस्तक होता हूँ और प्रभु से प्रार्थी हूँ कि वह उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्नान दें और इस परिवार को, ये बच्चे बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने पहले कह दिया, इनसे इनके पिता का साया का पता चल जाता है, इन बच्चों को दुख सहन करने की प्रभु क्षमता दे। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभा को समाप्ति की तरफ लेकर जाता हुआ, जैसा कि मैंने पहले कहा, परिवार और हमारे आदरणीय बाबूजी बच्चे बच्चे के साथ जुड़े हुए थे। आज बहुत सभी को पूरा निवेदन की थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि पीछे बैठने वाले को जगह मिलती रहे। बहुत से लोगों के भाव है क्योंकि परिवार कई समाजों के साथ, कई व्यापारिक संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उन सभी की तरफ से मैं उनके नाम लेकर ही उनकी हाजिरी, उनकी उपस्थिति, उनके श्रद्धा सुमन बाबूजी के चरणों में रखूंगा। उससे पहले परिवार के बच्चे आकांक्षा जी और बच्चे अपने बाबूजी को, अपने दादाजी को, प्यारे दादाजी को उनके चरणों में भाव रखना चाहते हैं, मैं परिवार के बच्चों को कहूंगा आकांक्षा को कि आए और अपने भाव रखें। हमारे परिवार के लिए एक वट वृक्ष की तरह थे वे, हमें वो बहुत प्यार दुलार से इकट्ठे बैठकर कई किस्से सुनाते थे, गुरुओं के प्रसंग उजारते, सवाल पुरानी बातें सुनाते थे। कई बार अगर हमारे माता पिता हमें किसी चीज के लिए मना भी कर देते ना, तो हम अपनी बात मनवाने के लिए अपने दादाजी के पास चले जाते, पर अभी हमारी बातों को कौन पूरा करेगा। वो हमेशा सिर्फ एक ही बात पर जोर देते कि सब एक परिवार की डोर से बंधे रहो और उनको, उन्हें सबको एक डोर से बंधा हुआ, उन्होंने सबको एक डोर से बांधा हुआ था। हमारा सारा 23 मेंबर्स का परिवार एक ही छत के नीचे उनकी प्यार की छाया में बहुत खुश थे। आज जब वो नहीं है तो लगता है कि मानो हमारे सिर से वो छाया कहीं खो गया है। उन्होंने जो
हमेशा शिक्षाएं दी हैं और जो गुरुओं से जोड़ा है, तो उनकी कृपा पर, उनकी कृपा हम पर भी बनी है और वो जहाँ भी है हमारे सारे परिवार पर अपनी असीम आशीष सदा बरसाते रहे। हम अपने भावों को शब्दों में तो नहीं समेट सकते, परंतु कुछ पंक्तियों में कह रहे हैं। हर टांट में प्यार जो रहता था वो याद अब बहुत आता है, हर बीता लम्हा तो आंखों में आंसू लाता है, तस्वीर बसी है दिल में जो जीने का हौसला देती है, एक दादा ही समझता है खामोशी बुला दो भी, मुश्किलों से बचाने के लिए दादा हिम्मत की दीवार होता है, हमें तुमसे जो प्यार मिला वो शहद से भी मीठा था, वो सब कुछ सचमुच अनूठा था, वो बिल्कुल अनोखा था। बच्चों ने अपने दिल की गहराइयों से जो अपने दादाजी के साथ प्यार था वो व्यक्त करना चाहा। समय को देखते हुए मैं कहीं ना पढ़ रहा हूँ, गुरु भगवंतों के परिवार के लिए शोक संदेश संवादना संदेश आए हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव गणाधीश जी महाराज, पसीराज श्री प्रकाश चंद जी महाराज, आगम ज्ञाता गुरुदेव श्री जैमणी जी महाराज, उन्होंने भी लिखित रूप से परिवार के लिए संदेश भेजा है। संघ संचालक मनोहर खानी गुरुदेव श्री नरेश जी महाराज ने भी परिवार के लिए संदेश भेजा है। मधुर भक्ता तेजस्वी भक्ता श्री अजय जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री सत प्रकाश जी महाराज का भी निजी संदेश परिवार के लिए प्राप्त हुआ है। संदेश मुकेश मुनि जी महाराज, श्रीपाल मुनि जी महाराज, गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज के अग्रवर्ती, उनके संघ के सभी मुनिराजों ने परिवार के लिए संतावना संदेश, हमारे आंटी जी सुदेश रानी जी के लिए और परिवार के लिए भेजा है और उन्हें हौसला दिया है कि ऐसे धर्मनिष्ठ भाई जहां भी होंगे प्रभु चरणों में देवलोक में विराजेंगे और अपना बरदस्त बच्चों पर बनाए रखेंगे। मैं गणाधीश जी महाराज की, जयमणि जी महाराज जो काफी दिन से अस्वस्थ थे, देश मैं हमारे समाज के अध्यक्ष संग्रहण श्री मीजा जी को कहूंगा कि वो आए और वो संदेश पढ़े। गुरु महाराज का पत्र है गणाधीश जी का। श्रद्धे श्री जयमणि जी महाराज जो कि रामा मंडी में विराजमान हैं, उनके द्वारा जो परिवार के प्रति धर्म संदेश भेजा गया है उसको पढ़कर सुना रहा हूं। 7 जनवरी 2018, परम गुरु भक्त कुलदीप जी, प्रदीप जी, विकास जी, अजय जी, अमित जी जैन, पूज्य पाद
गणाधीश गुरुदेव श्री प्रकाश चंद जी महाराज थाने छे के आखिर पूज्य पिता श्री सतपाल जी के निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट की है। भक्ति सरलता सेवा और प्रेम की उज्ज्वल प्रतिमा के वियोग पर सबको वेदना हुई है, अतः उन्हें विशेष ख्याल हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी वहां ही रहे। लुधियाना विशेष के पत्थर आपके पिताजी की एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं। हमारे समाज के प्रमुख चेयरमैन हमारे डॉक्टर मुखराज जी को कहूंगा कि वो आगे आ जाए और हमारे सभा के अध्यक्ष भाई नीत जी, महासभा के अध्यक्ष बिट्टू जी बैठे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि वो भी आ जाए। जब तक रसम पगड़ी अदा की जाती है कुछ और शोक संदेश मेरे को प्राप्त हुए हैं, मैं वो भी पढ़कर यहाँ सुना रहा हूँ। महावीर जी आई जी को सुंदरनगर एस आई जी सभा हैपोवाल इन संस्थाओं की तरफ से भी आज अपने पूजनीय पिताजी की याद में राशि दान की निकाली है। जिन जिन संस्थाओं के लिए लिए है मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। उनका यदि कोई प्रतिनिधि आया है तो वो